हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन हाइड करने हैं तो कैसे करेंगे। आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारे ऐप्स हैं जिन्हें आप हाइड करना है, सबसे छुपा के रखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन कैसे हाइड कर सकते हैं, या कोई गेम वगैरह हो आपके फ़ोन में तो उसे कैसे हाइड करके रख सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने ऐप्स हाइड करने के लिए सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आ जाएंगे, सेटिंग आने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन नंबर मिल जाता है प्राइवेसी, प्राइवेसी पर जाएंगे। प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ आपको फिर से ऑप्शन नंबर मिल जाता है परमिशन, परमिशन के बाद यहाँ मिलता है प्राइवेसी, प्राइवेसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर हाइड ऐप्स, हाइड ऐप्स पर आपको क्लिक कर देना है। हाइड ऐप्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है सेट एक्सेस कोड, जो आपका एक्सेस कोड है जिससे आप अपने एप्लीकेशन को आंसर कर रिकवर कर सकते हैं। तो वो आपको इस पर पहले सेटअप कर लेना है। तो इसे हम करेंगे सेटअप। सेटअप पर जाने के बाद ऐप लॉक पर जो भी आपने पासवर्ड एंटर कर रखा हो सिंपली आपको वो पासवर्ड यहाँ एंटर कर देंगे। अगर आपने पहले ऐप लॉक किए होंगे तब आप यहाँ गए होंगे, अगर आप यहाँ पहली बार जा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अपने हिसाब से सेट करने के बाद यहाँ से आपके सारे एप्लीकेशन ओपन हो जाते हैं। कोई भी एप्लीकेशन जो भी आपको हाइड करना है वो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। जैसे हमें यहाँ से अपना यूट्यूब हाइड करना है, यूट्यूब हाइड करने के लिए हम इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ मिल जाता है सेट एक्सेस कोड, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से अपना हम एक्सेस कोड सेट कर लेंगे जो कि आपका चार अंकों का होगा और चार हैज से शुरू होगा, हैज से एंड होगा। सिंपली हम सेट कर लेंगे हैज़, तो यहाँ से हम हैवना शुरू कर देंगे हैज़, इसे हम सेट कर लेते हैं 1 2 3 4 और हैज़। इस प्रकार से हमने सेट कर दिया हैज से शुरू होगा और इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद योर सेटअप ऑल हो गया, डन कर देंगे। जो कोड आपने सेट किया उसे आपको भूलना नहीं है, याद रखना है, इसे वो आपको ऊपर देखने को मिल जाता है, इसे डन कर देंगे। डन करने के बाद और भी कोई एप्लीकेशन अगर आपको हाइड करना है तो उसे आप यहाँ से हाइड कर देंगे। सेकंड हमने प्राइम वीडियो को हाइड कर दिया है, ये दो एप्लीकेशन है जो कि हमने हाइड कर दिए। तो चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। जो एप्लीकेशन आपने हाइड किए हैं वो आपको स्क्रीन पर देखने के लिए नहीं मिलते हैं, कहीं भी स्क्रीन पर आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपके एप्लीकेशन कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अब जो एप्लीकेशन आपने हाइड किए हैं इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ती है, अगर आपको उन्हें यूज़ करना है तो कैसे करेंगे। तो उन्हें यूज़ करने के लिए आपको अपना डायलर ओपन कर लेना है। सबसे पहले डायलर ओपन करने के बाद आपने जो कोड सेट किया था हैज़ 1 2 3 4 और हैज़, सिंपली आपको कोड एंटर कर देना है। डायलर में एंटर करने के बाद आपके जो हिडन एप्लीकेशन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाती है। इस प्रकार से आप इन्हें यहाँ से यूज भी कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ से यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप अपने हिडन एप्लीकेशन को यूज और एक्सेस कर सकते हैं, और कोई भी एप्लीकेशन को आप ऐसे हाइड कर सकते हैं। अनहाइड करना है तो सिंपली सेटिंग में जाकर इन्हें अनहाइड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने हाइड और ऐप्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ऐप्स हाइड की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।